लोकसभा चुनाव की मतदान प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रत्याशियों के बीच आरोप प्रत्यारोप की जंग शुरू हो गई है। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी, कांग्रेस प्रत्याशी उम्मेदाराम बेनीवाल व अन्य नेताओं के बीच अब जुबानी जंग शुरू हो गई है। इसी बीच निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी मीडिया से रूबरू हुए। बायतू विधायक हरीश चौधरी पर तंज कसते हुए कहा कि वे सभी को निपटाकर अकेले रहना चाहते हैं। नए नए लोगों को देख वे बौखला गए। भाटी ने ए और बी टीम पर पलटवार करते हुए कहा कि ये उनके हार की बौखलाहट है। वहीं बालोतरा में FIR दर्ज होने के सवाल पर भाटी ने कहा कि सरकार सबकी आवाज को दबाना चाह रही है। मैं उनको बताना चाहूंगा कि न ऐसे कभी दबे हैं और न ही कभी दबेंगे। भाटी ने कहा कि वो जल्द ही गिरफ्तारियां देंगे और निश्चित तौर पर देंगे। सरकार सबकी आवाज को दबाना चाह रही है, पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि न ऐसे कभी दबे हैं न कभी दबेंगे। जहां कहीं पे भी हक और अधिकारों की बात आई, मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और आगे भी लड़ते आएंगे। बिल्कुल सर, सोशल मीडिया पर एक पोस्ट चल रही है कि रविंद्र सिंह भाटी आज या कल अपनी गिरफ्तारी दे सकते हैं, कितनी सच्चाई है? बिल्कुल, जल्दी देंगे और निश्चित तौर पर देंगे। अमीन खान साहब मेरे परिवार के हैं और हमारे इस क्षेत्र के सबसे वरिष्ठतम और कद्दावर नेता वो हैं। मैं उनकी हमेशा इज्जत करता हूँ और जीवन भर करूँगा। रही बात दूसरी, उन्होंने मुझे कई सार्वजनिक मंचों से कहा है कि ये मेरे बेटे जैसा है, तो उन्होंने अपने बेटे पर आशीर्वाद जताया। मैं उनका एहसानमंद हूँ। काफ़ी लंबे समय से डिप्रेशन से निकल रहे हैं, उनको लगा कि मैं सबको निपटा के मैं अकेला रह जाऊंगा, पर अब जब वो देखते हैं कि साहब नए लोग आगे आ रहे हैं तो बौखलाहट है, जाहिर सी बात है। बड़े नेता अब उम्र भी हो गई उनकी, बौखलाहट होनी लाजमी। उनको उड़दंग करने का शौक है, अभी नई नई उड़दंग वाली नेतागिरी इन्होंने सीखी है, तो वो करने का प्रयास कर रहे हैं, पर हुआ नहीं।